हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज, चैप्टर नंबर 3, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इस चैप्टर में हम इस वीडियो में सार्वजनिक उद्यमों के संगठन के स्वरूप, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के मुख्य प्रारूप या मेन फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर स्टडी करेंगे। जो हमारा पब्लिक सेक्टर होता है उसे हम मेनली उसके 3 प्रारूप होते हैं या 3 फॉर्म्स होते हैं जिसमें एक पब्लिक सेक्टर वर्क करता है। फर्स्ट होता है इसमें विभागीय उपक्रम या विभागीय संगठन, दैट मीन्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट होता है लोक निगम या सार्वजनिक निगम, या इसे हम वैधानिक निगम भी बोलते हैं, दैट मीन्स पब्लिक कॉरपोरेशन। और थर्ड होता है सरकारी कंपनी यानी गवर्नमेंट कंपनी। ओके, तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम फिलहाल विभागीय उपक्रम जो है, यानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, उसे स्टडी करेंगे। सबसे पहले विभागीय उपक्रम या विभागीय संगठन, या हम बोलें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बिजनेस का कैसा फॉर्म है पब्लिक सेक्टर का, या इसमें क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये सबसे पुराना और मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अंडर पब्लिक एंटरप्राइजेस। इसका एस्टेब्लिशमेंट किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर होता है एज अ डिपार्टमेंट। ओके, या मैं आपको अगर बोलूँ कि मंत्रालय द्वारा किसी एक विभाग की स्थापना की जाती है, या विभाग के तौर पे इसकी स्थापना की जाती है, और फिर उसके द्वारा यानी उसके थ्रू इस ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग है, फंक्शनिंग है, वो होता है। ठीक है, ये टोटली सरकारी उपक्रम होता है, यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है इसके ऊपर पूरी तरीके से, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ही विभाग के रूप में इसकी स्थापना की जाती है, और उस विभाग के द्वारा यानी उस डिपार्टमेंट के थ्रू ही इस बिजनेस को या इस ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जाता है। इससे रिलेटेड सारे रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ही, यानी गवर्नमेंट के थ्रू ही डिसाइड किए जाते हैं। इसमें जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के लिए IAS यानी उच्च स्तरीय शासकीय अधिकारियों को अपॉइंट किया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं वो एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्क करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी कंट्री में भारतीय रेलवे, भारतीय डाक सेवा, भारतीय दूरसंचार सेवा, भारतीय प्रतिरक्षा उद्योग, ये सब इसके अंडर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इंडियन रेलवे, इंडियन पोस्ट ऑफिस, इंडियन टेलीग्राफ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, तो ये सब इसके एग्जांपल हैं। ओके, तो ये तो था विभागीय उपक्रम या संगठन। एक बार वापस मैं बता दूँ, ये एक ऐसा अंडरटेकिंग होता है जो कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अंडर वर्क करता है, जिसकी ओनरशिप टोटली गवर्नमेंट के पास होती है, एंड इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है मंत्रालय के थ्रू यानी गवर्नमेंट के थ्रू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एस्टैब्लिशमेंट होता है, और उस डिपार्टमेंट के थ्रू ही इसका जो भी वर्क है, फंक्शनिंग है, मैनेजमेंट है, कंट्रोलिंग है, रूल्स रेगुलेशन डिसाइडिंग है, प्लानिंग है, सब चीज़ें जो हैं वो उसी डिपार्टमेंट के थ्रू डिसाइड की जाती हैं। ओके, तो अब बात करते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। ओके, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट थिंग, ये जो अंडरटेकिंग है या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके लिए मनी जो है या कैपिटल जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ट्रेजरी से आता है, एंड उसके लिए गवर्नमेंट के थ्रू एक प्रॉपर बजट डिसाइड किया जाता है। बजट में इसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, एंड इवन इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो भी मनी अर्न की जाती है उसे भी गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट किया जाता है। सेकंड थिंग, इस पे जैसे बाकी जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं उसी प्रकार
उसी टाइप से ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है इनके ऊपर भी अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इस सब से रिलेटेड कंट्रोलिंग जो है वो अप्लाई होती है। यानी जैसे बाकी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ का अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वगैरह सब कंट्रोलिंग प्रॉपर होता है, वैसे ही इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का भी अकाउंटिंग का वर्क एंड ऑडिटिंग का वर्क एंड उस पर जो कंट्रोलिंग है वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है। नेक्स्ट थिंग ये है कि ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है इसमें वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाते हैं एंड इनकी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन या इनकी जो भी सर्विसेज होती हैं वो सभी बिल्कुल उसी टाइप से डिसाइड की जाती है, फॉर्मेट की जाती है, क्रिएट की जाती है जैसे गवर्नमेंट के थ्रू और किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए डिसाइड की जाती है। इनके जो हेड हैं वो IAS अधिकारी होते हैं एंड नागरिक सेवा से रिलेटेड होते हैं। इनका ट्रांसफ़र एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हो सकता है। नेक्स्ट थिंग ये सीधे तौर पर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके कंट्रोल में रहते हैं। यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर्टिकुलर जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एस्टैब्लिश है उसके डायरेक्ट कंट्रोल में ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं एंड ये अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए अकाउंटेबल होते हैं। उन्हें ही इन्हें सारे जवाब देने होते हैं किसी भी मैटर से रिलेटेड।